नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 10 की वैदिक गणित के बारे में एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग निकालेंगे। पहले एग्जांपल लेते हैं, 45 है। 45 का आपको एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा क्या करना है, वर्ग करना है। तो सबसे पहले जो आपको ये संख्या है, ये तो इकाई का अंक और ये दाई का अंक, दाई का अंक लिखना है। दाई के अंक का एक अधिक करना है, यानी दाई के अंक का एक अधिक करोगे तो 5 है, ठीक है। और जो बाद में इकाई का अंक है उसका कर दो वर्ग, ये हो गया वर्ग। इसको करेंगे गुणा तो हो गए 20, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो गए 25। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी 45 का वर्ग कितना हो गया, 2025। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 85। दूसरा एग्जांपल है 85। तो आपको 8 लेना है, 8 का एक क्या करना है, अधिक करना है 9, और 5 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 8 को गुणा करोगे 9 से तो कितने आ जाएंगे, 72, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। तो यानी 85 का वर्ग करोगे तो कितने आएंगे, 7725। इसी प्रकार से तीसरी संख्या लेते हैं, तीसरा एग्जांपल 115 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर आपको 11 लेना है, नहीं कि एक लेना है। तो 11 और 11 का एक क्या कर दोगे, अधिक, तो कितने आ जाएंगे, 12, और 5 का क्या करना है आपको, वर्ग। अब आपको 12 को कितने से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है, तो कितने आएंगे, 132, और ये कितने हो जाएंगे, 25। तो इस प्रकार से आप एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा क्या कर सकते हो, वर्ग ज्ञात कर सकते हो। अब दूसरी विधि देखते हैं, दूसरी विधि है संकलन है, व्यकलन है द्वारा वर्ग। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 23 का आपको करना है वर्ग। तो आपको आधार लेना है, इसमें आधार आपके पास लगभग 20 रहेगा, ठीक है। अब आपको 23 लेना है, 23 में से जो लास्ट का इकाई का अंक है वो एक बार तो क्या करना है, जोड़ना है 23 में, और एक बार क्या करना है, माइनस करना है, और प्लस में जो आपका इकाई का अंक उसका वर्ग करना है, ठीक है। तो 23 को आप तीन जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 23 और 3 है आपके हो जाएंगे 26, और ये कितने हो जाएंगे, घटा दोगे तो 20, और प्लस है 9 हो जाएंगे। अब 26 को 20 से गुणा करोगे तो 520, और प्लस है 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 529। इसका आंसर कितना आ गया, 529। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 38 है। अगला एग्जांपल कितना है, 38 का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो आप यहाँ पर देखो, 30 का आधार नहीं मानकर आप 40 का आधार मान के चलो, क्योंकि 40 के पास की संख्या है। तो आप 40 का मानोगे तो 38 में से, अरे 40 में कितने कम हो रहे हैं, 2, तो आप 2 यहाँ से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और 38 में से 2 ही आपको क्या करना है, घटाना है, और 2 का क्या करना है आपको, वर्ग करना है। यहाँ पर आओगे तो कितने आ गए, 40, और यहाँ पर कितने हो गए, 36, और प्लस 2 का वर्ग। अब आप 36 को क्या करना है, 40 से गुणा करोगे तो 1440, और प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 4, टोटल हो जाएंगे 1444। तो इस प्रकार से आप इसका वर्ग कर सकते हैं। अगर आधार आपको ये नहीं लेकर, आपको जैसे आधार आप 38 था, 38 संख्या थी, उसका आधार आप 30 लेंगे तो 30 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, और 30 में से क्या करना, 8 घटाना पड़ेगा, फिर 8 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो ये तो कितने हो जाएंगे, 46, और ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और प्लस से 8 का 64। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा, फिर आपका वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तीसरा एग्जांपल लें, गुणेत्र का वर्ग करें। तो आपके पास 70 की संख्या लेना है, आधार को 70 लेना है, तो आप क्या करो, गुणेत्र में से 1 घटा दो, और गुणेत्र में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, और प्लस 1 का क्या कर दो, वर्ग कर दो। अब इसका वर्ग करोगे तो यहाँ पर तो कितनी हो गई, 68, और यहाँ पर कितनी हो गई, 70, और प्लस 1 का वर्ग 1। 70 को आपको कितने से गुणा करना है, 68 से गुणा करना है, तो 4760, और प्लस 1 क्या करना है, जोड़ करना है। तो आपके पास आ जाएंगे 4761, इसका आंसर आ गया। तो ये कौन सी विधि थी, संकलन व्यकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना। अब हम लिखते हैं एक अन्य विधि और है, अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि द्वारा वर्ग करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 31,
31 का आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो आपको पहले तो क्या करना है, 3 का वर्क करना है। 3 का वर्क करोगे तो 9, फिर आपको इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, 1 को 3 से गुणा करना है, और फिर 1 का आपको क्या करना है, वर्क करना है। 1 का वर्ग 1 रहेगा, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 3, और ये हो गया 1। इसका आपको ऐसी किस संख्या इसमें जोड़नी है, 1, 6 और 9, तो कितने आ गए, 961 आ गए। इस प्रकार से आप इस विधि से कर सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल लें, 24 लें, 24 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। विधि ध्यान में रखनी है, कौन सी, अनुरूपेण विधि द्वारा। तो 2 का वर्ग करेंगे, ये 2 का वर्ग, उसके बाद दोनों संख्याओं को गुणा करें, 2 को 4 से गुणा करें, और उसके बाद 4 का वर्ग करें, तो कितना, 4 का ये वर्ग, तो ये तो जाएगा 4, ये हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे 16। इसका आपको क्या करना है, ऐसी किसी संख्या इसमें जोड़नी है, तो 16 का 6, 1 इसमें हासिल, और 8 16 17 7 और 1 हासिल, तो 536 का आंसर आ जाएगा। जैसे 56 लेते हैं, 56 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग कर दो, दोनों संख्याओं गुणा, 5 × 6 और फिर 6 का क्या करें, वर्ग करें, तो 5 का तो 25 गुणा करेंगे 30, और ये हो जाएगा 36, इसका क्या हो जाएगा, 30। तो 6 × 3 क्या होगी, हासिल, 30 × 30 = 60, 60 × 3 = 63 का टी, 6 हासिल, और 25 × 6 = 31। तो इस प्रकार आप तीनों विधियों के माध्यम से क्या कर सकते हो, वर्ग ज्ञात कर सकते हो। ये कक्षा 10 से सारे एग्जाम्पल लिए गए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, धन्यवाद।